हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वॉइस, इसके पहले भाग को भी देखते जाइए आप लोग, है ना। शुरू से यदि देखेंगे तो वॉइस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो कक्षा 9वीं से पूरा फाइनल ईयर के बच्चे के एग्ज़ाम में बहुत काम आता है, ठीक है। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वॉइस को कैसे चेंज करें। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, ये मैंने नियम लिख दिया है, इन्हें सब्जेक्ट इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव में चेंज करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा और प्लस बीन बस लगा देना है, नया क्या करना है आपको, बीन बस लगाना है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी है ना, बाई सब्जेक्ट। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल में ही समझ में आता है। आई हैव टेकन टी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये भी देखना है कि ये और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है प्लूरल। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन जब होता है तब हैज लगाते हैं, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन हो तो हैव लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। टी एक वचन में है तो यहाँ पर इसको और इसको चेंज करना होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे मैं पहले इसको चेंज करके दिखा देता हूँ, है ना। टी, ठीक है, ये डैश 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 यहाँ पर आ जाएगा आई, ठीक है। ये आपका आई आ गया, दोनों का जगह चेंज कर दिया, सरल बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको हैज है, दोनों में से एक लगाना है। हैज, टी क्या है, एक वचन है, हैज लग जाएगा। और इसके बाद क्या लगा देना है, बीन। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। और यहाँ पर बाई के बाद आई लगा देंगे। इस प्रकार आपको बनाना है, एकदम सिंपल तरीका, बस इसको चेंज करना है और इसके जो सहायक क्रिया है और ये बीन है इसको लगा देना है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ही हैज टॉट मी, ही हैज टॉट मी, इसको चेंज कर दीजिए, जगह बदल दीजिए, तो यह हो जाएगा मी डैश 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 डैश, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, है ना, मी। लेकिन जब हम वॉइस चेंज करते हैं दोस्तों, तो एक इसका एक रूल होता है, नियम होता है, वो क्या होता है, आई की जगह मी लिखना होता है, मी की जगह आई लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मी की जगह क्या हो जाएगा, आई, है ना। अब यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, हैव, ये हो जाएगा आई हैव के बाद क्या लगा देना है, बीन। आई हैव बीन टॉट बाई मी, बाई ही, इस प्रकार से बना, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, तीसरा है ना, यू हैव कलेक्टेड स्टैम्प्स, ठीक है दोस्तों। ही हैव कलेक्टेड स्टैम्प्स, तो यहाँ पर स्टैम्प्स का ये हो जाएगा, स्टैम्प्स क्या है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर बहुवचन के लिए क्या लगाना है, हैव, ये हो जाएगा हैव। और ये हो गया बीन, और इसका थर्ड फॉर्म जो लिखा हुआ है वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, कलेक्टेड बाई यू का यू ही रहता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को ऐसे वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। यदि आप मेरे पहले भाग को देखेंगे, है ना, तो ये और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यदि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे पूरा क्लियर नहीं होगा, इसको पूरा क्लियर समझने के लिए पहला भाग बिल्कुल देखिएगा, फिर ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें शुरू में पूरे नियम को से बताया है। इसका यदि निगेटिव बना दिया जाए तो देखिए दोस्तों, निगेटिव यानी नकारात्मक, मैंने टेंस में इसको कई बार समझाया है। निगेटिव नकारात्मक के लिए क्या करते हैं, सहायक क्रिया जो भी दिया हुआ है उसके जस्ट बाद नॉट लगाना है ना, नॉट। यहाँ पर क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों, हैज या हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है, हैज या हैव के बाद नॉट लगा देना है। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, इसी का बना देते हैं। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, आई हैव नॉट टेकन टी, ये है दोस्तों। तो इसको क्या कर देंगे, सेम टू सेम यही रहेगा आंसर, यही है वो आंसर, है ना, टी हैज नॉट, बस नॉट लगा देना है आपको, टी हैज नॉट बीन टेकन बाय मी। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो आपको ओनली हैज हैव को सामने में रखना है। देखिए हैव यहाँ सामने में चला जाएगा, हैज, है ना, हैज टी बीन, बी हो गया है बीन, हैज टी बीन टेकन बाय मी,
बस ये करना है। तो देखिए दोस्तों इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद में अगला जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, उस पर अपन चर्चा करेंगे। है दोस्तों देखिए इसके आगे अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। इसमें वॉइस कैसे बदला जाए, एक्टिव से पैसिव में कैसे इसको चेंज किया जाए अभी सीखेंगे, है ना। आपको बस सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ये दो बातें यदि आप जान आपको याद हो जाए टेंस में किस टेंस में कौन सा सहायक क्रिया लगता है और कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, बस ओनली दो बात याद रख सकते हैं। बस दो बातें याद कीजिए, है ना, क्या क्या, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी क्या होता है, सहायक क्रिया इज एम आर वाज वेयर जो होता है वही हेल्पिंग वर्ब है। मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पर देखिए रोट, रोट मुख्य क्रिया है, वॉन मुख्य क्रिया है, टुक वर्ब, वी जो लिखा हुआ है, कई लोग यदि नहीं समझ पाए होंगे दोस्तों तो फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर टुक है, टुक यानी टेक, टेक ये पहला फॉर्म होता है दोस्तों, यही मुख्य क्रिया है। व्यक्ति सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग, तो रीडिंग जो है वो मुख्य क्रिया है, है ना। तो इसको चेंज करके देखते हैं दोस्तों, देखिए नियम जो लिखा हुआ है उसके, और ये वाज वेयर का थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि एक वचन होता है दोस्तों, एक वचन में आपको वाज लगा देना है, तो आई ही सी इट, है ना, इन सब के साथ आपको वाज लगाना है ना। प्लूरल, प्लूरल में बहुवचन, यदि सब्जेक्ट बहुवचन में है ना, तो आपको वेयर का उपयोग करना है। अब वेयर आपको पता है किसके साथ लगता है, तो देखते हैं, मैंने सारी चीज़ को यहाँ पर नोट कर दिया है। यहाँ पर देखिए फार्मूला, आप कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, बिना पहचाने आप वॉइस बदल ही नहीं सकते, आपको याद होना चाहिए कि इसका नियम क्या है। तो देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया तो नहीं होता, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म जरूर होता है। आप सेंटेंस में देखते जाइए, पहले पहचान करना सीखें। सेंटेंस में पहला पढ़ते हैं, आई टुक, ये लिखा है आई टुक, ये टेक होता है और इसका सेकंड फॉर्म टुक होता है। तो देखिए टेक टुक ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और सहायक क्रिया नहीं दिया है, तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब बनाने का नियम आपको पता है, ये और ये चेंज होता है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ टी और इसको यहाँ लिख देता हूँ आई को, ठीक है। अभी आई लिखा हूँ, बाद में चेंज करेंगे उसको, टी और ये आई, तो यहाँ पर टी और यहाँ पर टी एक वचन में है, तो ये हो जाएगा वाज। यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगुलर एक वचन में, आई ही सी इट हो तो वाज लगाना है, टेक टी वाज टेकन, ठीक है। और यहाँ पर बाई लगा दीजिए, बाई लगा हुआ है, बाई मी, बाई तो आपको सभी में लगाना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर यहाँ मी का क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है, वे वाज, तो आई वाज टॉट बाई हिम, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तीसरा देखें, मोहर रोट लेटर, लेटर लिख देंगे पहले, लेटर, लेटर एक वचन में है इसलिए वाज लगा देंगे, लेटर वाज, है ना। राइटर, थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइटर बाई मोहन, अगर व्यक्ति का नाम दिया है तो सेम टू सेम वही लिखना है, ठीक। बॉयस वॉन द मैच, बॉयस वॉन द मैच, तो द मैच ऑब्जेक्ट है, द मैच को यहाँ लिख देंगे, है ना, द मैच, द मैच एक वचन में है दोस्तों, तो एक वचन में फिर से वाज लग जाएगा, है ना। द मैच वाज वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन ही होता है, वॉन बाई वॉइस। तो यहाँ पर बेयर वाला एक भी उदाहरण नहीं हो पाया दोस्तों, है ना, एक आध उदाहरण मैं लास्ट में एक्सरसाइज दूंगा उसमें दूंगा इस उदाहरण को। तो इस प्रकार से आप पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव बनाने के लिए यहाँ नॉट लगा देना है बस, है ना, लेटर बाद। अच्छा निगेटिव का कुछ सेंटेंस देख लेते हैं तब समझेंगे आप लोग, तो इसको मैं मिटाऊँगा अभी, आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट करके नोट कर लीजिए, पॉज कर। हाँ देखिए दोस्तों निगेटिव सेंटेंस भी करा देते हैं, है ना, निगेटिव सेंटेंस कराना भी ज़रूरी है और इंट्रोगेटिव, है ना। इसके पहले वाले में निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं करवाया था, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपकी पहचान क्या होगी, डेट, डेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है नॉट लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। पहले आपको टेंस की पहचान करना है किसी भी वॉइस में,
यदि आपको टेंस की पहचान हो गई तब उसके नियम रूल को थोड़ा याद करना है, क्या लगता है उसमें वाज वेयर लगाना है और बका थर्ड फॉर्म लगाना है, वाज वेयर लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बस इतना ही याद रखना है। अब ये तो आपको पता है, इसको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा टी 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 के साथ क्या लगता है दोस्तों, वाज टी वाज और नॉट का नॉट ही रहेगा, बस इसके जगह पर आपको वाज वेयर लगाना है, डिड के जगह क्या लगाना है वाज वेयर, टी वाज नॉट टेकन, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, बस टेकन बाय मी, ठीक है, बस ऐसे ही करना है। अब सेकेंड देखते हैं, ही डिड नॉट, तो यहाँ पर नॉट बस को हटाना है, ठीक है, और इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, मी का क्या हो जाता है आई, मी का आई, आई के साथ क्या लगता है वाज, आई वाज नॉट, है ना, टीच का टॉट हो जाएगा, टॉट बाय हिम, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब यहाँ पर कार्स, कार्स बहुवचन है दोस्तों, तो वेयर लग जाएगा, कार्स क्या है बहुवचन है, तो कार्स वेयर है ना, नॉट बाई का क्या हो जाता है बॉट, बॉट बाई यू, तो इस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। याद कर लीजिए, यदि कोई सेंटेंस निगेटिव में है, नकारात्मक में है और उसमें डिड लगा हुआ है, डिड नॉट लगा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको पहचान लेना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट है, और उसको बनाने का नियम है वाज वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपने जगह बस बदलते हैं। देखिए ये दोनों अपने जगह एक्सचेंज कर लिए, आपको डिड के जगह वाज और वेयर लगाना था, आपने वाज लगा दिया, नॉट तो जैसा है वैसा ही लिखना है, ठीक है, तो बस इतना ही करना है। मैं कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, उसको नोट कर लेना और आप कॉपी में उसको नोट करेंगे, ठीक है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नए बच्चे होंगे वे भी है ना कॉपी में नोट्स बनाते जाएंगे। हाँ देखिए दोस्तों, आपके लिए एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज को आपको कॉपी में नोट करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, है ना, आप अपने कॉपी से मिलान कर लीजिएगा, इससे क्या है आपका एक एक्सरसाइज भी होते जाएगा और आपकी तैयारी भी साथ में होती जाएगी, पढ़ाने बस से कुछ नहीं होता, देखो मैंने पढ़ा दिया आप पढ़ लिए, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज नहीं दूंगा तो आप बनाएंगे कैसे, तो एक्सरसाइज को बिल्कुल आप लोग कॉपी में नोट करके आपको हल करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं वीडियो द एंड करता हूँ।